अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हुरम्स किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब गर्मी हद से बढ़ती है तब भी बच्चों में लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, और जब सर्दी हद से बढ़ जाती है तब भी बच्चों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का सलूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इसको शेयर किया जाए। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर देखिए, मैं पैन में 1 कप पानी शामिल करूँगी, और जैसे ही हमारा पानी थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर मैं 7 इलायची उनके मुँह को खोल कर इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके साथ यहाँ पर मैं 1 टीस्पून चीनी लूँगी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। और अब हम इसको लिड लगा देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि ये 1 कप है और ये हाफ रह जाए अपनी क्वांटिटी में। तो देखें, हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी देखें, हमारी इलायचियाँ भी फूल चुकी हैं और जो पानी है ये हाफ हो गए। बस ये देखें, हमारी रेमेडी रेडी है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें, हमने इसको फुल कप पानी शामिल किया था और ये देखिए अब पानी हाफ कप रह गया है। हमने आपने इतना ही इसको पकाना है कि जो पानी है ये हाफ रह जाए। और ये देखिए, ये बहुत ही लाइट होता है, बच्चे इसको इजीली पी लेंगे। आप फीडर में भी डाल के दे सकते हैं या फिर चम्मच के साथ ही बच्चों को पिला सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप गर्मी में ये पिलाएं बच्चों को, तो गर्मी में आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ला के देना है, और सर्दी में अगर पिलाएं तो उसको नीम गर्म आपने देना है। तो अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और ये फ्री है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपको नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।